विकलांगता का पार सीमा पार कर चुका है बीजेपी। सिर्फ 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 नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, जो फेल है। ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। नीतीश कुमार का इमेज, उसका परसेप्शन नरेंद्र मोदी से कई करोड़ अरब गुना ज्यादा है। कुडनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं यू मंच से, बारे बा तो अपने मियां मिठू बनते हैं, अपने पिछवाड़े क्यों नहीं देखते। हमारी गलती है कि हमने जनता को भगवान नहीं मानते, 47-56 जितना हो अनंत सिंह जी को, लेकिन वो जनता के लिए एक गिलास में पानी लेकर के खड़ा रहता है, ये कैरेक्टर है उस आदमी का। वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं जी हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। बिहार के जादवों को दारू छोड़ना पड़ेगा। सुशील मोदी जी, वेंकैया नायडू से आपने इस्तीफा नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा। आपकी औकात नहीं है, आपकी फट जाती है, आपकी हैसियत नहीं है। मैं भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी से और मीडिया से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति 27 सालों से गुजरात में मुख्यमंत्री था और 9 सालों से प्राइम मिनिस्टर। एक पुल खत्म होने के बाद 3 दिन लगता है वहां जाने में, 33 करोड़ रुपया वो खर्च करते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री को ले जाने में। बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि ममता दीदी का पुल टूट गया, भगवान भी साथ नहीं है। भगवान का नाम ये ले रहे हैं, लेते हैं, भगवान के नाम पर वोट बटोरते हैं, तो क्या गुजरात के पुल टूटने के बाद भगवान इनको साथ दे दिया? दूसरी चीज, 27 साल और 9 साल पीएम और सीएम रहने के बाद एक बात हमको सीधा बता दीजिए, 56 इंच की सीना जो प्रेस वाला लिखता है, 22 दिनों से एम्स का साइबर हैकर ने हैक कर लिया, 5 किलोमीटर के रेडियस पर पीएम है, और 1 महीना से मैं आपको बता दूं कि पीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब गुजरात में है। देश का मुद्दा उनके लिए गौन हो गया। जब आप इतना काम कर रहे थे तो आपको गुजरात में घरे घर जाने की जरूरत क्या पड़ी? आपने आदिवासी के विधायक का किडनैप किया, हमला किया, आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं कि हमने चुनाव, मोदी जी ने चुनाव जीत लिया, मोदी के नाम पर हमने चुनाव जीता। हम यह जानना चाहेंगे, हिमाचल में मोदी जी 22 बार गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर नड्डा जी का घर हिमाचल है, अमित शाह जी कई बार गए, देश को आप यह बताइए, कांग्रेस यदि राहुल गांधी जी गए होते एक बार भी दो बार भी और मजबूती से कांग्रेस लड़ ली होती, मैं आपको दिल से कहता हूं 7 सीट कांग्रेस वहां लाती। जिस जिद के साथ कांग्रेस लड़ी थी अगले बार, उस जिद के साथ कांग्रेस यदि गुजरात में लड़ती, अरविंद केजरीवाल ये सब कोई मुद्दा नहीं है। दुनिया को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस की और बीजेपी की बी टीम। हिमाचल से भागे, उत्तराखंड से भागे, गुजरात से भागे, ऐसे जितने बड़े बड़े लोग हैं। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं नहीं जीतेगी, हिमाचल भी जमाना जब्त हो जाएगा। जितने ओपन बोलते थे, अरविंद केजरीवाल तो सरकार बना लिए, सबको पता था कि ये कांग्रेस अरविंद जी वहां क्या करने जा रहे। कांग्रेस का जो वोट था गांव में अरविंद केजरीवाल जी को, वह वोट काटना था। मैं बनिया हूं जी, मैं इंजीनियर हूं जी, तो यार बनिया हो तो फिर बनियाओं के घर में वोट क्यों नहीं मिली आपको? अरविंद जी इसका तो जवाब दे दीजिए, जब आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो। और नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, फिर आप मीडिया के बदौलत अपने को कितना भगवान बनिएगा। गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते तो हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी में 4 में 3, क्या यहां नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था?
क्या यहां नरेंद्र मोदी जी की हार नहीं हुई? क्या यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की हार नहीं है? कुरनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी के बारे में नरेंद्र मोदी जी 286,000 सीखना होगा शिवपाल जी, अखिलेश जी और आजम का लोगों से कि जनता भगवान होता है, एकता में ताकत होती है, कैंडिडेट को जनता के साथ भगवान के रूप में जीना होगा। कुडनी के बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं मंच से, बारे बा नरेंद्र मोदी जी आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। मैं देश से ये पूछना चाहूंगा, यदि गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम पर तो यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल किसके नाम पर? सुशील मोदी जी, वेंकैया नायडू से आपने इस्तीफा नहीं मांगा? नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा? आपकी औकात नहीं है? आपकी फट जाती है? आपकी हैसियत नहीं है? वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं जी हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। एक साल पहले जब जदयू का वहां पर, युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी, मंत्री थे, गाड़ी में पैर में पैर बैठा के चलते थे, एक एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी, एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए। एआईएमएम की मैंने पहले ही बोला था क्या औकात है, 3,000 का मतलब क्या होता है? ना किसी को नीतीश जी से परेशानी, ना लालू यादव से, ना गठबंधन से, ना तेजस्वी जी से। वहां की हार ऐसे परोसा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लगा कि ये 2024 और पूरा बिहार जीत लिए। बिहार के जादवों को दारू छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादव के शीर्षस्थ माफियाओं को अहंकार छोड़ना पड़ेगा और अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को पैर पकड़ना होगा और किसी भी जाति को हमें गाली देने से बचना होगा। ये हार छोटे छोटे अहंकार के कारण हुई है, ये हार कुछ मेरे पॉलिसी के कारण हुई है और उस पॉलिसी में मैं मानता हूं। मैं हाथ जोड़कर गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री जी से आग्रह दो बात की करूंगा। एक, हम रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार हम छीन लेते हैं। एक तरफ पासी समाज को हमें उसके अधिकार के लिए फ्रीडम देना पड़ेगा और दूसरी तरफ बड़ा टेंडर जो बालू माफियाओं का है, उस टेंडर को कैंसिल करके 20 लाख 30 लाख टेंडर ब्लॉक स्तर पर करोड़ों लोग बालू के रोजगार से, छपरा से लेकर, बक्सर से लेकर औरंगाबाद, पूरा दियर और टाल इलाका बालू से 1 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पूरा पदाधिकारी माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है, ओवरलोड लग जाता है। जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्रालय से, पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक नदी के किनारे जिस जाति का वोट बालू से प्रभावित है आपको हृदय से वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। 47-56 जितना हो अनंत सिंह जी को, लेकिन वो जनता के लिए एक गिलास में पानी लेकर के खड़ा रहता है, ये कैरेक्टर है उस आदमी का। गलत है तो गलत है वो, लेकिन एक गिलास पानी लेके जनता के लिए भगवान के तरह पैर छूता है वो आदमी। ऐसे कैंडिडेट को टिकट देने होंगे जो जनता को भगवान समझता है। निर्लजता का पार, सीमा पार कर चुका है बीजेपी। सबसे बड़ा आइकॉन जिसको अपना मुख्यमंत्री आइकॉन मानता है, बुलडोजर, अपराधी, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। नीतीश कुमार बीजेपी के किसी लीडरशिप से बहुत ऊपर है। नीतीश कुमार का इमेज, उसका परसेप्शन
नरेंद्र मोदी से कई करोड़ अरब गुना ज्यादा है, चाहे वो सेकुलर के रूप में हो, चाहे नफरत नहीं करने के रूप में हो, चाहे विकास के सवाल पर हो। हमारी गलती है कि हमने जनता को भगवान नहीं मानते, आई कनेक्ट नहीं करते। हम ट्विटर पर और जाति के गठबंधन से कुछ नहीं होगा, होगा जनता को भगवान मानने से और मनोज कुशवाहा जी जैसे व्यक्ति को टिकट। आप नीतीश कुमार को गाली भी दीजिएगा, पोस्टर भी फाड़िएगा और अन्य जाति को गाली भी दीजिएगा और वोट भी लीजिएगा, ये संभव नहीं है, न था न होगा। जो अपने मियां मिठू बनते हैं, अपने पिछवाड़े क्यों नहीं देखते कि हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, सपा एक साथ चली, अहंकार को त्यागा, जनता को भगवान माना। मैनपुरी के कैंडिडेट, आरएलडी के नेता अखिलेश और शिवपाल ने, तो जनता खड़ी हो गई। कुडनी के जनता ने कहा कि मैंने मनोज कुशवाहा को सबक सिखाया है, महागठबंधन को नहीं। मैं अभी सिर्फ 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 नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, जो फेल है, बीजेपी फेल है। मेरा व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार जी या महागठबंधन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है। यदि हम एक होकर अपनी पॉलिसी को चेंज करें, गलत लोगों को तवज्जो ना दें और जनता को